हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा चैनल पसंद आया, आपको वीडियोज़ पसंद आई, वीडियोज़ के जो कंसेप्ट है वो पसंद आया। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और साथ इसकी फंक्शनिंग क्या है। ये आपका पीजीटी साइकोलॉजी और पैडागोगी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन जैसे आपका पिछली बार आया था कि जब व्यक्ति सोचता है, थिंकिंग करता है और डिसीजन करता है तो उसके लिए कौन सी लोब काम करती है, तो वहाँ पर आपके चार ऑप्शन थे, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब और ओसिपिटल लोब। तो वहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन ठीक करना था, वो आपको करना था आपका फ्रंटल लोब, क्योंकि जो आपका फ्रंटल लोब है वो क्या है, आपकी हायर कॉग्निटिव थिंकिंग है या फिर जो आप हायर मेंटल एक्टिविटी करते हैं उनका मेन फंक्शन हमारा फ्रंटल लोब ही मैनेज करता है। तो वहाँ से एक ही क्वेश्चन आया था जो आपका लोब से आया था। तो अब जैसे जैसे इसका जो इसका कंसेप्ट है, जो एस्टेट का जो लेवल है वो डीप होता जा रहा है, साथ ही आगे इसमें से किसी भी लेवल पे या फिर किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरा ब्रेन ही आपको एक बार स्टडी करना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको एक बार डीपली स्टडी कर लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होगा। और जहाँ मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न्ड विद अटेंशन एंड थिंकिंग, कि जब व्यक्ति सोचता है, थिंकिंग करता है, अटेंशन करता है, थिंकिंग करता है, तो ब्रेन के किस पार्ट का उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, पैराइटल लोब का, टेम्पोरल लोब का, फ्रंटल लोब का या फिर ओसिपिटल लोब का। तो राइट आंसर इज आपका फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या है, इसका राइट आंसर, तो काफ़ी बच्चों का एक क्वेश्चन गलत भी हुआ था। तो आज हम इसकी पूरी डीपली स्टडी करेंगे, इसको जड़ से आज हम पढ़ लेंगे तो हमारा कोई क्वेश्चन आगे गलत नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जो एस्टेट का लेवल है वो बहुत डीप होता जा रहा है, तो पता नहीं कहाँ से वो क्या क्वेश्चन पूछ लें। तो आइए चलते हैं, तो ब्रेन को एक कम्प्लीटली एक डीपली स्टडी करते हैं। ह्यूमन ब्रेन, जो आपकी पूरी खोपड़ी है, जो आपका पूरा सिर है चारों तरफ, इसको क्या बोला जाता है, इसको ह्यूमन बोला जाता है। एक तरीके से क्या है, एक स्कल है, खोपड़ी है, जो हमारे एक लोकेटेड एरिया है इसका, कि हमारा ब्रेन कहाँ है। तो हमारे ब्रेन के मेनली तीन पार्ट होते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। अब देखिए, जो आपका फ्रंटल एरिया है जहाँ आपकी आईज हैं, वहाँ से जो आप देखते हैं वो आपका क्या है, वो आपका है फोर ब्रेन। फिर जो आपका है बीच में जो आता है वो आपका है मिड ब्रेन, और बिल्कुल लास्ट जहाँ पर आपकी गर्दन होती है वो आपका हिंड ब्रेन होता है। अब हिंड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, मेडुला, पोन्स और सेरिब्लम। मिड ब्रेन में टेक्टम, टेगमेंटम और रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। फोर ब्रेन में आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, साथ ही बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। तो इन सभी पॉइंटों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपकी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस का क्वेश्चन अभी आपका जो जनवरी में एग्जाम हुआ था स्टेट का, वहाँ से इसका क्वेश्चन आया हुआ था। तो आगे आपके किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक आपका लोब से क्वेश्चन आया हुआ था जो पैडागोगी में आया था, तो दोनों के लिए ही, जो पैडागोगी के बच्चे हैं और जो पीजीटी साइकोलॉजी के बच्चे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसको करें। अब देखें, मेडुला, मेडुला क्या होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो आपकी गर्दन है पीछे से, जो गर्दन शुरू होती है, उस गर्दन में जो आपका ब्रेन जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर होता है आपका मेडुला। कि ब्रेन का सबसे निचला भाग क्या होता है, मेडुला एग्जिस्ट इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पाइनल कोड, कि स्पाइनल कोड के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। जो आपकी बीच में जो कमर के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड के ऊपर जो जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं आपका मेडुला। ये लगा लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से ये गर्दन शुरू हो जाती है, और गर्दन के जो हमारा ब्रेन का जो लोअर पार्ट है ये क्या हो जाएगा, आपका मेडुला कहलाएगा। ये क्लियर है कि रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है जहाँ से हमारा ब्रेन जुड़ा हुआ होता है उसका लोवेस्ट पार्ट क्या है, मेडुला। क्लियर है कि मेडुला कहाँ है।
मेडुला और क्या काम करता है? इट रेगुलेट्स बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी, कि हमारी जो लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ब्रीदिंग है या फिर हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर्स है, ये चीज़ें क्या होती हैं हमारी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि विदाउट ब्रीदिंग यानी कि सांस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हार्ट रेट अगर हमारा हार्ट काम करना छोड़ देता है तो क्या है, डेथ हो जाती है। ब्लड प्रेशर जो बीपी है कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है, तो इन सब को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। और ये क्या है आपकी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी जी की जिससे आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो मेडुला का काम आपको समझ में आया। लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एग्जिस्ट इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट रेगुलेट्स बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देंगे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला या फिर लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी आपका क्या है? मेडुला। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको बोलना है मेडुला। लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेडुला। और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में क्या लगता है आपका? मेडुला। और आपकी जो बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज वो क्या है? ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। साथ ही ये क्या काम करता है? स्वालिंग, जब आप किसी चीज़ को चबाते हैं, रेस्पिरेशंस, ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी सर्वाइवल नीड होती हैं, आपकी बेसिक लाइफ सपोर्टिंग की नीड होती है, जिनको कौन पूरा करता है? मेडुला। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अब पोन्स। पोन्स क्या है? मेडुला के ऊपर जो एक भाग होता है वो हमारा पोन्स में होता है। अब पोन्स क्या काम करता है? इट कनेक्टेड विद मेडुला, कि मेडुला के साथ जुड़ा हुआ होता है। रिसीव ऑडिटरी सिग्नल्स, कि जो मैं बोल रही हूँ, जो आपके कान सुन रहे हैं, तो उनको रिसीव कौन कर रहा है? पोन्स उनको रिसीव कर रहा है। इन्वॉल्व्ड इन स्लीप मैकेनिज्म, जब आप सोते हैं तो उस जो आपके सोने की जो प्रक्रिया है उसका में उसमें मेन रोल किसका होता है? पोन्स का होता है। रिसीव ऑडिटरी सिग्नल्स कनेक्टेड विद मेडुला। तीन पॉइंट्स क्लियर हैं आपको। इट कंटेन्स रिस्पायरेटरी मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारी फेस की मूवमेंट है, जो हम फेस पर एक्सप्रेशन डालते हैं, उन चीज़ों में भी कौन रोल प्ले करता है? पोन्स। आई बॉल, जो अब आपकी आई जब आपकी आँख की पुतली जो घूमती है या फिर आप आँख को बंद करते हैं, फिर जाव मूवमेंट है, जो आपकी जबड़े की मूवमेंट, जब आप बोलते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तो उन सब की मूवमेंट में कौन रोल प्ले करता है? पोन्स का इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंसरी नर्व, जैसे टच, किसी ने आपको छुआ, पेन, कभी कहीं आपको दर्द है, फिर टेम्परेचर, तापमान, जो आपका शरीर का टेम्परेचर है, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। क्लियर है? कनेक्टेड विद मेडुला, यानी कि मेडुला के ऊपर का जो पार्ट वो पोन्स है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का जो पार्ट वो मेडुला है। तो यहाँ से आपको सीरीज भी समझ में आ जाएगी। और फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसमें जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होती हैं उनके लिए भी कौन रोल प्ले करता है? पोन्स। आई बॉल की मूवमेंट है, जा मूवमेंट है, सेंसरी नर्व है, मींस टच, पेन और टेम्परेचर, इन सब का एहसास कौन दिलाता है? पोन्स इन सब का हमें एहसास दिलाता है। फिर है सेरिबलम। सेरिबलम क्या है? एज अ स्मॉल ब्रेन हम इसको बोलते हैं। मेनली जो आपकी डांसिंग की मूवमेंट है, जब आप चलते हैं या फिर जब आप साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबलम, आल्सो कॉल्ड स्मॉल ब्रेन, कि हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग या स्मॉल ब्रेन किसको बोला जाता है? सेरिबलम। अगर आपको ये चीज़ें याद ना हो तो आप लास्ट में देखिए कि बलम स्मॉल का नाम आता है, डबल एल यहाँ है, डबल एल यहाँ है, तो यहाँ से सेरिबलम को आप स्मॉल ब्रेन से अटैच कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा मैटर होता है तो बिना कोडिंग के आपको याद भी नहीं रहता। ये क्या काम करता है? मेंटेन्स एंड कंट्रोल पोस्चर्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, कि जो हमारी पोस्चर्स है, हमारे बैठने का तरीका है, हमारे हाथों का जो तरीका है या फिर जब हम बोलते हैं उसका तरीका है, और हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम कि इसमें एक समानता बनाए रखता है, वो क्या काम वो कौन करता है? सेरिबलम करता है। कोऑर्डिनेट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट है, हाथ की मूवमेंट है, पैरों की मूवमेंट है, हमारी गर्दन की मूवमेंट है, इन मूवमेंट को मस्कुलर यानी कि मांसपेशियों की जो मूवमेंट है, इनको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबलम इनको कंट्रोल करता है। अब इसमें और क्या बताया गया है कि दो द मोटर कमांड्स ओरिजिनेट इन द फोरब्रेन, की फोरब्रेन में जो भी कमांड्स उत्पन्न होती हैं
द सेरिबलम रिसीव्स, उनको सेरिबलम रिसीव करता है एंड कोऑर्डिनेट देम टू रिले टू मसल्स, उनको रिसीव करके कहाँ भेजता है, मसल्स में भेजता है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। स्टोर मूवमेंट पैटर्न, कि हमारे जो मूवमेंट के जो पैटर्न होते हैं उनको स्टोर करता है सेरिब्रम। हाउ टू वॉक, हमें कैसे चलना है। हाउ टू डांस, हमें डांस कैसे करना है। हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल या फिर कार, तो ये आपके जो मूवमेंट हैं। एक होता है बेली डांसिंग, वो भी क्या है, अपना सेरिब्रम ही उसको कंट्रोल करता है। जैसे है कई बार किसी को डांस करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या कहेंगे हम कि उस पर्टिकुलर पर्सन का सेरिब्रम में कुछ डैमेज आ गया है जिसकी वजह से वो डांस नहीं कर पा रहा है। अगर कोई लड़खड़ा कर चलता है तो भी क्या बोला जाएगा कि उसका जो सेरिब्रम है उस पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो ही वह लड़खड़ा कर चल रहा। तो क्लियर है आपका कि जब आप चलते हैं, आप डांस करते हैं, बाइसाइकिल चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, तो इन सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है आपका सेरिब्रम, जो आपका स्मॉल ब्रेन है। और स्मॉल ब्रेन आपका कहाँ होता है, बिल्कुल पीछे होता है। सबसे पहले आपका मेडुला है, फिर पॉन्स है, फिर आपका सेरिब्रम है जो आपका स्मॉल ब्रेन है। क्लियर है आपको, आपको आपका यहाँ से ये जो टॉपिक आपका हिंड ब्रेन वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, बात करते हैं मिड ब्रेन में क्या होता है। RAS रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है, इसमें टेक्टम होता है, इसमें सेकंड होता है टेगमेंटम। अब देखिए RAS का क्या रोल है। RAS मींस रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल, कि जब हम जागते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिड ब्रेन का RAS पार्ट जो है रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है। ये क्या करता है, मेक्स अस अलर्ट, ये हमें अलर्ट बनाए रखता है एंड एक्टिव। जब हम अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, और जब हम अराउजल में होते हैं, तो कौन सा पार्ट आपका काम करता है, RAS रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। बाय रेगुलेटिंग सेंसरी इनपुट्स हेल्प अस सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, और उन इन्फॉर्मेशन में से हमारे काम की कौन सी होती है, उन इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा RAS काम करता है। क्लियर है आपको कि RAS क्या करता है, अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अलर्ट और एक्टिव बनाए रखने के लिए कौन काम करता है, RAS। और RAS किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का। तो यहाँ से मेरे को क्वेश्चन आ सकते हैं कि अराउजल, अलर्ट और एक्टिवनेस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, RAS, और RAS किस ब्रेन का पार्ट है, ये आपके मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन में आपका टेक्टम भी होता है, टेक्टम का एक मेन पार्ट होता है। टेक्टम में दो सेंटर होते हैं, और वो सेंटर कौन से होते हैं, विजुअल सेंटर एंड ऑडिटरी सेंटर। विजुअल सेंटर को क्या बोला जाता है, सुपीरियर कोलिकुलाई, और ऑडिटरी सेंटर को बोलता है इन्फीरियर कोलिकुलाई। अब देखिए कई बार हम क्या देख करते हैं कि कानों सुना सच ना मानकर हम आंखों देखा सच मानते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो आप ये बोलते हैं कि आपने देखा, वो व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं मैंने किसी से सुना है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि इन्फीरियर, क्या आपने देखा नहीं तो आपने सच कैसे मान लिया। तो क्या है आपका जो विजुअल सेंटर है वो आपका सुपीरियर कोलिकुलाई है, कि जो आप देखने का काम करते हो वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपकी सुपीरियर एक्टिविटी कहलाएंगी। और जब आप सुनते हो, कोई गाना सुनते हो, कोई शोर सुनते हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगी, ऑडिटरी सेंटर, और ये आपका क्या है, इन्फीरियर। क्लियर है आपको कि टेक्टम में दो पार्ट होते हैं, विजुअल सेंटर और दूसरा आपका ऑडिटरी सेंटर। विजुअल सेंटर आपका क्या होता है, सुपीरियर कोलिकुलाई होता है, जिसमें आप पूरा देखने का काम करते हैं। ऑडिटरी सेंटर जिसमें आप सुनने का काम करते हैं, ये आपका क्या होता है, इन्फीरियर कोलिकुलाई, और ये सुपीरियर कोलिकुलाई। अब देखिए आपका टेक्टम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका विजुअल सेंटर और ऑडिटरी सेंटर का नाम ना देकर सुपीरियर कोलिकुलाई और इन्फीरियर कोलिकुलाई का नाम भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ से इन दोनों को नामों को अच्छे से करना है कि विजुअल को ही सुपीरियर बोला जाता है और ऑडिटरी को ही इन्फीरियर बोला जाता है। और ये टेक्टम किसका पार्ट है, आपका मिड ब्रेन का पार्ट है, और इसमें दो तरह के सेंटर होते हैं, विजुअल सेंटर और ऑडिटरी सेंटर। विजुअल सेंटर जब आप देखते हैं, आप अगर आपको याद ना रहे तो एक बात बताती हूँ आपको कि आँखों देखे पर सब विश्वास करते हैं और कानों के सुने पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए जो आपने अपनी आंखों से देखा है वो क्या हो जाएगा, आपका सुपीरियर, और जो आपने कानों से सुना वो आपका क्या कहलाएगा, इन्फीरियर। साथ में तीसरा पार्ट होता है टेगमेंटम। टेगमेंटम क्या होता है, हमारे मिड ब्रेन का तीसरा पार्ट होता है। इसमें नर्व इम्पल्स होते हैं, वर्क्ड फॉर सेंसरी नर्व सेल्स, और ये क्या करते हैं, हमारे सेंसरी नर्व सेल्स के लिए काम करते हैं। मीन्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, इनकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन,
जो हमारे 5 senses हैं, जो हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के अपर पार्ट में ऊपर भेजता है और फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो मोटर इन्फॉर्मेशन उसको नीचे भेजता है। कि जैसे आपने किसी कोई फूल देखा तो उसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके आइज़ हैं, जो आपका सुपीरियर कोलिकलाइज ने इन्फॉर्मेशन दी, तो इन्होंने क्या किया ऊपर यानी कि ब्रेन के सेरिब्रम में इस मेन का पार्ट में इस इन्फॉर्मेशन को भेज दिया और वहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या आई कि अगर फूल सुंदर है तो हाथ ने क्या किया उसको मोटर एक्टिविटी किया और उस फूल को तोड़ लिया। तो ये क्या हुआ आपका मोटर इन्फॉर्मेशन। तो टेगमेंटम क्या काम करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के अपर पार्ट में भेजता है और फिर वहाँ से जो मोटर इन्फॉर्मेशन आती हैं उनको पर्टिकुलर एरिया में भेज देता है कि अगर वो फूल सुंदर है तो उसको तोड़ लीजिए, अगर खाना स्वादिष्ट है तो आप उसको खा लीजिए। क्लियर है मिड ब्रेन भी कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, RAS, टेक्टम एंड टेगमेंटम। और हमने हिंड ब्रेन भी कर लिया है, उसमें हमारे 3 पार्ट हैं, मेडुला, पॉन्स और सेरिब्लम। सेरिब्लम को स्मॉल ब्रेन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में हम थैलेमस की बात करते हैं कि थैलेमस क्या काम करता है, वर्क एज ए रिले स्टेशन। जो लास्ट से लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, अब जनवरी 2020 से 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि थैलेमस क्या है, एक रिले स्टेशन के रूप में काम करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और यहाँ से उसको रिले करता है। रिसीव्स ऑल इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड देम टू अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स फॉर द प्रोसेसिंग। कि जितने भी इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको क्या करता है, सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है और उन इन्फॉर्मेशन को अप्रोप्रिएट पार्ट में भेज देता है, किसके लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अगर फूल सुंदर है तो उसको तोड़ लीजिए, अगर खाना स्वादिष्ट है तो उसको खा लीजिए। इनकमिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, हमारी विजुअल, हियरिंग की हमने देखा है, सुना है, या फिर पेन हमें उससे हुआ है, टेम्परेचर, टच, टेस्ट एंड स्मेल, ये आपके क्या हैं, सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से आती हैं। तो थैलेमस का मेन काम होता है, रिले स्टेशन का काम होता है कि सभी इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, अप्रोप्रिएट रिसीव करेगा, सभी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखेगा और फिर उनको पर्टिकुलर स्थान पर भेज देगा। यहाँ से हम बात करते हैं, मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन का जो आपका बस स्टैंड है, बस स्टैंड में क्या होता है, सभी बसेज यहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं, या फिर रेलवे स्टेशन का भी क्या काम होता है, सभी रेल यहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर जहाँ पर जिस बस को पर्टिकुलर एरिया में जाना है कि उसको हिसार जाना है या फिर उसको दिल्ली जाना है तो वहाँ पर इनको बसेज को भेज देता है। तो क्या हुआ, एक स्टेशन के रूप में काम किया, एज अ बस स्टैंड के रूप में काम किया, इसने एज अ रेलवे स्टेशन के रूप में काम किया और उनके पर्टिकुलर एरिया में कि चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, वहाँ पर उनको भेज देता है। ऐसे ही थैलेमस ने क्या काम किया, सभी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया और फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है उनको पर्टिकुलर एरिया में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन अभी तक रिले स्टेशन के रूप में इसका आया हुआ है। फिर साथ में ये अभी आप ऐड कर सकते हैं कि इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करता है और अप्रोप्रिएट पार्ट्स में भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए। कहाँ भेजेगा, कॉर्टेक्स में, जो आपकी खोपड़ी है इसको बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो का पूरा पार्ट है ये, इसको क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या होता है, अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन, की ब्रेन में सबसे छोटा स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का होता है और हाइपोथैलेमस हमारी मेन काम करता है। इट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर। ये लाइन आपकी अभी 2020 में जो आपका टेस्ट हुआ था जनवरी में, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर। तो देखिए आपके ब्रेन के पार्ट में से कितने, 3 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ जो आपके 2020 में आ चुके हैं। मेन या ये क्या काम करता है, ईटिंग मतलब मीन्स हंगर, जब आपको हंगर होती है, भूख लगती है, तो हंगर में मेन रोल हाइपोथैलेमस का। थ्रस्ट, जब आपको प्यास लगती है, जब आप पानी पीते हैं तो थ्रस्ट में मेन रोल आपका हाइपोथैलेमस का। स्लीपिंग, जब आप सोते हैं तो मेन रोल आपका हाइपोथैलेमस का। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी रोल हाइपोथैलेमस का। और सेक्सुअल अराउजल, जो आपके सेक्सुअल बिहेवियर हैं उनमें भी किसका रोल आपका, हाइपोथैलेमस का। अब देखिए कि हाइपोथैलेमस और क्या काम करता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी।
कि हमारी बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, इनको ये सिर्फ क्या करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, कि हमारे जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है जिससे हमारी वृद्धि होती है, और उसके बाद आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। तो ये हार्मोन्स जो हमारी बॉडी से निकलते हैं इनको भी कौन रेगुलेट करता है, आपका हाइपोथैलेमस। इट मेंटेन होमोस्टेटिक्स ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी में एक समस्थिति बनाकर रखता है कि जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी में जो हीट उसको कम करता है, अपने आप उसको हमारी बॉडी को एडजस्ट करना सिखा देता है। अगर ज़्यादा कोल्ड होती है तो उस कोल्ड में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। लेकिन हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो बॉडी में उसको एडजस्ट करने की एक पावर देता है, और जब ज़्यादा आपकी गर्मी हो जाती है तो भी क्या करता है, उसको अच्छे से एक पावर देता है कि वो अब बॉडी हर सिचुएशन में अपने आप को एक बैलेंस बनाकर रख सके। अब है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम क्या काम करता है, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओल्ड मैमलियन ब्रेन, कि सब पहले हमारे ब्रेन का एक ओल्ड मैमलियन ब्रेन का एक नाम होता था, तो उस ब्रेन का एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या काम करता है, हेल्थ मेंटेनिंग इंटरनल होमोस्टेटिक बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल। अब देखिए ब्लड शुगर लेवल आपका लिम्बिक सिस्टम के अंदर आया, लेकिन बाकी बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर ये आपके, और इंटरनल होमोस्टेटिक ये आपके हाइपोथैलेमस में भी आए थे और लिम्बिक सिस्टम में भी आए थे। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि लिम्बिक सिस्टम भी सेम काम कर रहा है और हाइपोथैलेमस भी सेम काम कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब ये दोनों ही बातें आ जाती हैं कि इंटरनल होमोस्टेटिक बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, और आपको ऑप्शन में लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों मिलते हैं, तो आपको हाइपोथैलेमस ही करेक्ट करके आना है। अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ें साथ में दे रखी हैं, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, तो आपको हाइपोथैलेमस को करेक्ट करना है। अगर जिस ऑप्शन में हाइपोथैलेमस नहीं है और वहाँ पर लिम्बिक सिस्टम है तो ही आप लिम्बिक सिस्टम को करेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप हाइपोथैलेमस को ही करेक्ट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपके ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम दोनों नाम साथ में आते हैं तो आप केवल हाइपोथैलेमस को ही करेक्ट करेंगे, और जब साथ में लिम्बिक सिस्टम का नाम आ जाता है तो आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे। और जहाँ पर हाइपोथैलेमस का नाम नहीं है वहाँ तो सिंपल बात है कि आपको लिम्बिक सिस्टम ही करेक्ट करना है। तो क्लियर है आपको, हिप्पोकैम्पस भी लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है और अमिग्डाला भी लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है। हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि जो आपकी LTM है, LTM के बारे में मैंने मेमोरी का एविडेंस करवाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं यहाँ से कि LTM कैसे फॉर्म होती है, LTM क्या काम करती है। LTM मीन्स कि बचपन से लेकर आज तक आप जितने बड़े हुए हैं आपको सभी बातें याद हैं, तो वो क्या है, आपका LTM का पार्ट है, और मीन्स कि आपका हिप्पोकैम्पस ठीक है कि उस हिप्पोकैम्पस ने आपकी उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत ही काम किया है, कि आपने एक टू बी टेबल कैसे याद की थी, अल्फ़ाबेट कैसे याद किए थे, और जब आप छोटे थे तो आपके दादा दादी के साथ आप कैसे खेलते थे, वो स्टोरीज आपको सभी चीज़ें याद हैं। तो क्या है कि आपकी LTM बन चुकी है और आपका हिप्पोकैम्पस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अमिग्डाला भी क्या है, लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये क्या काम करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमोशनल बिहेवियर, कि आपका इमोशनल बिहेवियर, कि आपको कब हंसना है, आपको कब रोना है, आप कब डर जाते हैं, कब आप खुश हो जाते हैं, तो ये क्या है, आपका इमोशनल बिहेवियर है, इसको कौन कंट्रोल करता है, अमिग्डाला। और अमिग्डाला क्या है, लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। बेसल गैंग्लियन भी आपके फोरब्रेन का एक पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं आता है, एग्ज़ाम में भी इसके बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। बेसल गैंग्लिया में चार पार्ट होते हैं, क्यूरेट न्यूक्लियस, पुटामिन, ग्लोबस पैलिडस और अमिग्डाला। ये चारों पार्ट किसके हैं, आपके बेसल गैंग्लिया के पार्ट हैं। ये क्या काम करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, कि मोटर कंट्रोल करने के लिए यही काम करता है, मेनली जो मोटर का कंट्रोल होता है। मेनली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे फोरब्रेन का एक पार्ट था तो मैंने आपको करवा दिया कि बेसल गैंग्लिया भी एक पार्ट होता है आपका फोरब्रेन का।
अब है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेरिबलम। सेरिबलम लास्ट आपको सेरिबलम करवाया गया था, वो आपका है हिंड ब्रेन का पार्ट है, लेकिन सेरिबरम, अब देखिए ये सेरिबरम है और वो सेरिबलम था। तो देखिए आल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अब देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आपका ब्रेन है, जो आपकी पूरी खोपड़ी है, उसको क्या बोला गया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आपका ब्रेन का, मान लीजिए ये आपका पूरा ब्रेन है, ये आपकी खोपड़ी है एक, इस पूरी खोपड़ी को क्या कहा जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये पूरी क्या है, आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और जब हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, कि पूरा जो हमारा ब्रेन है उसके दो भाग कर देते हैं, तो सिमेट्रिकली हाफ हो जाता है ये, कि ये भाग भी समान रहेगा और ये भाग भी समान रहेगा। क्यों, हमारा फ्रंटल लोब तो यहाँ आ जाएगा, ये हमारा टेम्पोरल लोब है और ये हमारा ओसिपिटल लोब है, जो बीच का एरिया बच गया ये क्या है आपका, पैराइटल लोब। अब देखिए ओसिपिटल लोब आपका पांच जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि जब हम पीछे के भी हमें वो धक्का लगाता है या फिर सिर के जो नीचे का जो सेरिबलम है वहाँ पर कोई अगर मुक्का मार देता है आपको, तो क्या होता है, आपकी आंखों के अगर अंधेरा छा जाता है। तो मीन्स आपका जो ओसिपिटल लोब है वो आपके बैक में है, फ्रंटल लोब आपकी आईज, आपकी जो समझने की शक्ति है, जो हायर कॉग्निटिव थिंकिंग है आपकी, वो आपके फ्रंटल लोब है। यहाँ आपकी टेम्पोरल लोब, कानों के पीछे जो हम सुनते हैं, ये हमारे कान हैं, ईयर हैं, ये हमारे क्या हैं, टेम्पोरल लोब है, ये हमारा ओसिपिटल लोब है। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, चार पार्ट बन जाते हैं, लेफ्ट टेम्पोरल लोब, राइट टेम्पोरल लोब, लेफ्ट फ्रंटल लोब, राइट फ्रंटल लोब, लेफ्ट ओसिपिटल लोब और हमारा राइट ओसिपिटल लोब, हमारा पैराइटल, लेफ्ट पैराइटल और राइट पैराइटल, ऐसे ही हमारे टॉपिक बन जाते हैं। अब देखिए सेरिबलम क्या होता है, आल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेगुलेट ऑल हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस, कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबलम, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, बिहेवियर, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कहाँ होते हैं, आपके सेरिब्रम के अंदर होते हैं। और सेरिब्रम आपका क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको तो बोला जाता है, और क्या करता है ये, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। मींस जो आपका अटेंशन है, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपकी अटेंशन है पूरी मेरी तरफ, तो आपका सेरिब्रल काम कर रहा है। परसेप्शन, कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई गाड़ी आपके सामने आती है या फिर किसी इन्वायरमेंट में कोई नया स्टिमुलस आता है, तो आप उसको कैसे परसीव करते हैं, वो क्या है आपकी परसेप्शन। कि लर्निंग, कि नई नई चीज़ों को आप कैसे सीखते हैं, जो आपने सीखा है वो आपका क्या है कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगा। मेमोरी, कि आपने को कितना याद है, मेमोरी आपका मेनली एल टर्म और शॉर्ट टर्म होती हैं। मेमोरी के लिए आप, मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसमें से आपको मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लैंग्वेज, बिहेवियर, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इंटू टू सिमेट्रिकली हाफ्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कि जब हम खोपड़ी को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकली हाफ। और क्या होता है ये, इसको हेमिस्फीयर बोल देंगे, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय अ वाइड बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम, कि जो हमने हमारे ब्रेन का भी मैंने आपको बताया था पिक्चर में, कि उसको जब दो भागों में डिवाइड करते हैं तो जो उसके कॉर्पस कॉलोसम होती है वो कट जाती है। अब देखिए कि जो ये हमने लगाया है ये क्या है, कॉर्पस कॉलोसम है। और ये कॉर्पस कॉलोसम क्या होती है, इसके ऊपर एक कपड़ा होता है जिससे ये ढकी हुई होती है, उसको बोलते हैं माइलिनेटेड, कि इसके ऊपर एक कपड़ा होता है, जब इसको हम काट देते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और हमारे लेफ्ट और राइट को कौन जोड़ता है, कॉर्पस कॉलोसम जोड़ती है। क्लियर है आपको, कि जो आपकी पूरी खोपड़ी है, जो आपका राइट हैंड की तरफ का ब्रेन है और जो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ ब्रेन है, आपके ब्रेन के दो पार्ट हैं, और इन दोनों पार्टों को किसने जोड़ा हुआ है, कॉर्पस कॉलोसम इनको जोड़ा हुआ है। क्लियर है आपको, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो यहाँ से जो आपका राइट हेमिस्फीयर हो, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर, इन दोनों के काम अलग अलग होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या काम करता है, कंट्रोल्स लैंग्वेज बिहेवियर,
कि जो हम भाषा संबंधी काम करते हैं, भाषा को बोलते हैं, भाषा को लिखते हैं या फिर इसको सुनते हैं, तो ये काम कौन करता है? आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है। राइट हेमिस्फीयर क्या काम करता है? डील विद इमेज, कि हमारे सामने जो तस्वीर आ गई है। स्पेटियल रिलेशनशिप, कि दूरी का हमें कितना ज्ञान है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कि हमारे सामने किस तरीके का पैटर्न आया है। जैसे आपकी रीजनिंग आती है, वहाँ पर आपको पैटर्न दिया जाता है, आप पैटर्न को सॉल्व करते हैं, तो क्या है आपका राइट हेमिस्फीयर उसमें अंदर काम करता है। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, कि आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स चार भागों में डिवाइड किया जाता है, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका पूरा ब्रेन है, ये आपका क्या है कॉर्पस कॉलोजम, कि इसने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ दिया है। तो यहाँ आपके फ्रंटल लोब है, यहाँ आपकी ओसिपिटल लोब है, यहाँ आपकी टेम्पोरल लोब है, बीच में आपकी क्या है आपके पैराइटल लोब। अब आप एक इमेजिन करके देखिए, आपके ब्रेन के ऊपर जाइए और आपके ब्रेन को ध्यान में रखिए, दोनों हाथ अपने कानों पर रखिए, ये दोनों कान क्या कहलाएंगे? आपके टेम्पोरल लोब। जो आपका राइट हैंड की साइड हुआ आपका राइट टेम्पोरल लोब, और जो आपका लेफ्ट हैंड की साइड हुआ आपका लेफ्ट टेम्पोरल लोब। अब दोनों हाथों के ऊपर जो उंगलियां हैं, वहाँ से आपका मिड ब्रेन, जो आपका ब्रेन का पिछला हिस्सा है, उसको आप छुए तो वो क्या है आपका पैरिटल लोब है। और उससे पीछे ही जब आप उसको हाथों को आगे लेकर आएंगे, आपके फोरहेड की तरफ लेकर आएंगे, तो ये पूरा एरिया क्या है आपका, दोनों कानों से आपके आगे वाला भाग क्या कहलाएगा? आपका फ्रंटल लोब कहलाएगा। और दोनों हाथों से दोनों कानों के पीछे का जो पूरा भाग हुआ आपका ओसिपिटल लोब कहलाएगा। और जो बीच में जो आपका एरिया बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? पैराइटल लोब। क्लियर है आपको? आपको ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही आपके ब्रेन को ऐसे रखकर आपको समझना पड़ेगा कि टेम्पोरल लोब क्या है, आपका फ्रंटल लोब क्या है, ओसिपिटल लोब क्या है और आपका पैराइटल लोब क्या है। अब देखिए, जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं कि किसी व्यक्ति को पढ़ने में दिक्कत है तो उसको क्या है? डिसलेक्सिया है। किसी व्यक्ति को बोलने में दिक्कत है उसको डिसफेजिया है। किसी को मैथमेटिक्स लिखने में दिक्कत आती है उसको डिसकैल्कुलिया है। तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती हैं वो आपके पैरेटल लोब के डैमेज हो जाने से हो जाती हैं। अब तक आपको नहीं पता था कि डिसलेक्सिया है, डिसफेजिया, आपने इनके नाम सुने थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इनके अच्छे तरीके से काम करने में कौन सी लोब काम करती है, पैराइटल लोब काम करती है। जब पैराइटल लोब की खराब हो जाती है तो लैंग्वेज डिसऑर्डर आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ से आपको बताया गया है कि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो आपको अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसके दो समान हिस्से बन जाते हैं, जिसको राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर बोला जाता है। राइट हेमिस्फीयर आपके डील विद इमेज, तस्वीरों के साथ, स्पेटियल रिलेशनशिप और आपके पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के साथ काम करते हैं। कंट्रोल लैंग्वेज बिहेवियर क्या करता है? आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। अब हम यहाँ पर फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंटल लोब क्या काम करती है? इज मेनली कंसर्न विद कॉग्निटिव फंक्शन, ये जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उन से काम कौन कर लेता है? फ्रंटल लोब। देखिए, अटेंशन, जब आप किसी के बारे में अटेंशन पे करते हो, थिंकिंग, किसी के बारे में सोचते हैं, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, ये क्या है आपकी हायर थॉट प्रोसेस। कि जब आप ये सारे काम करते हैं, जब आप कभी सोचने बैठ जाते हैं, कभी अटेंशन करते हैं या कुछ आप याद करते हैं या फिर लर्निंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, तो क्या है आपके सारे हायर थॉट प्रोसेसिंग को बोला जाता है। और इनका क्या काम है? कॉग्निटिव फंक्शन के साथ ये काम करती हैं। इसके अंदर तीन एरिया और होते हैं। मोटर कॉर्टेक्स भी आपके फ्रंटल लोब के अंदर होता है। ब्रोका एरिया, ये जब हम बोलते हैं, बोलने के लिए कौन सा काम करता है आपका? ब्रोका एरिया, बी ब्रोका यानी कि बोलना। फ्रंटल एसोसिएशन एरिया भी आपका कहाँ है? फ्रंटल लोब के अंदर है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें ये आया हुआ था कि थिंकिंग एंड अटेंशन, अटेंशन और थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंटल लोब। तो यहाँ से अब आपके लोब के क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, ये आपके पैडागोगी में भी आते हैं और पीजीटी साइकोलॉजी में भी आते हैं। अब हम बात करते हैं पैराइटल लोब की। जो आपको भी समझाया गया था कि जो आपका सिर का जो पिछला हिस्सा है वो आपका पैराइटल लोब कहलाता है। इज मेनली कंसर्न विद क्यूटेनियस सेंसेशन। क्यूटेनियस सेंसेशन क्या होती है? कि जब आपको स्किन पर, आपकी त्वचा पर कोई किल चुभ होता है, मान लीजिए ये हाथ है और ऐसे किल को चुभ होएगा, तो ये क्या है? क्यूटेनियस सेंसेशन।
ये आपकी त्वचा पर एक संचेषण होती है, एक संवेदना उत्पन्न होती है एंड देयर कोऑर्डिनेशन विद विजुअल एंड ऑडिटरी संचेषण मीन्स आपको यहाँ से पूरी लाइन ऐसी कैसे लिखी हुई मिलेगी कि इज मेनली कंसर्न विद क्यूटेनियस संचेषण एंड देयर कोऑर्डिनेशन विद विजुअल एंड ऑडिटरी संचेषण। तो जो आपकी त्वचा की जो संवेदना है और उनका जो कोऑर्डिनेशन है यानी कि विजुअल और ऑडिटरी संचेषण मीन्स जहाँ पर टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब का नाम ना आए और आपसे ये पूछा जाए कि विजुअल और ऑडिटरी संचेषण के लिए कोऑर्डिनेट कौन करता है यानी कि दोनों का काम साथ में कौन करता है, वो पैराइटल लोब करता है। टेम्पोरल लोब का काम तो सिर्फ सुनना है और ऑसिपिटल लोब का काम क्या है, सिर्फ देखना। लेकिन जहाँ पर विजुअल और ऑडिटरी का कोऑर्डिनेशन का नाम आ जाता है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पैराइटल लोब हम लिखेंगे। यहाँ ये पीजीटी साइकोलॉजी के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुअल एंड ऑडिटरी संचेषण का कोऑर्डिनेशन कौन करता है, पैराइटल लोब करती है। ऑसिपिटल लोब केवल विजुअल का काम करती है, टेम्पोरल लोब सिर्फ ऑडिटरी का काम करती है। ठीक है, क्लियर है। जब दोनों साथ में आ जाते हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है तो कौन काम करता है, पैराइटल लोब काम करती है। अब नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर प्रेक्सिया, अलेक्सिया, एग्राफिया, अफेजिया ये क्यों हो जाते हैं, किसकी वजह से हो जाते हैं, पैराइटल लोब की वजह से हो जाते हैं। तो इन डिसऑर्डर के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी अभी इस वीडियो के बाद, एक दो टॉपिक और कराने के बाद मैं लेकर आऊँगी, तो वहाँ पर आपको पूरे डिसऑर्डर बताए जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से इसको समझाया जाएगा। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की, कि टेम्पोरल लोब क्या काम करता है। कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, कि जो भी हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनको प्रोसेस करता है। मेमोरी फॉर सिंबॉलिक साउंड, कि जो हमारी मेमोरी की साउंड है, कि जो चीज़ें हमने साउंड के साथ उसको लर्न किया था, उसको याद किया था, वो क्या हमारी टेम्पोरल लोब है। एंड वर्ड रिसाइड्स हेयर, और हम वर्ड्स को फिर से कैसे लिख सकते हैं और साउंड को सुनकर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच एंड रिटन लैंग्वेज, कि जब कोई बोलता है तो हम उस स्पीच को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जो रिटन लैंग्वेज है उसको समझते हैं, तो उसके लिए कौन काम करता है, टेम्पोरल लोब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, और आपको याद करना है कि सिंबॉलिक साउंड एंड वर्ड रिसाइड्स हेयर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच एंड रिटन लैंग्वेज, कि जब कोई स्पीच देता है, कोई भाषण देता है या फिर हम रिटन लैंग्वेज को समझते हैं, टेम्पोरल लोब हमारी वहाँ पर काम करती है। और मेनली कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो जो हम सुनते हैं, सुनने का जो काम है वो कौन करता है, टेम्पोरल लोब काम करती है। क्लियर है आपको, टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल लोब कंसर्न विद विजुअल इंफॉर्मेशन, कि सिर्फ जो देखा जाता है, जो विजुअलाइज है हमारे सामने, आँखों के सामने, वहाँ पर कौन काम करता है, वो आपका ऑसिपिटल लोब काम करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इम्पल्सिस, कि जो हमने देखा है उसकी क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। मेमोरी फॉर विजुअल स्टिमुलाई, कि जो चीज़ें हमने देखी हैं उसको, उसकी मेमोरी कहाँ स्टोर होगी, हमारी ऑसिपिटल लोब में स्टोर होगी। कलर विजुअल ओरिएंटेशन, कि जो भी कलर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, उन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑसिपिटल लोब। अब देखिए यहाँ पर काम आया है कि टेम्पोरल लोब ने क्या काम किया है, सिर्फ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन का काम किया है। ऑसिपिटल लोब ने क्या काम किया है, सिर्फ आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन का काम किया है। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने भी बताया था कि जहाँ पर विजुअल यानी कि जो आपका देखना है, विजुअल एंड ऑडिटरी, और जो आपका सुनना है, वो उसमें कौन काम करेगा, कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कौन रखता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कौन रखता है, पैराइटल लोब। क्लियर है आपको। सिंगल सिंगल अगर नाम आते हैं तो आपको क्या करना है, अगर ऑडिटरी आएगा सिविल तो आपको टेम्पोरल करना है, अगर ओनली विजुअल आता है तो आपको ऑसिपिटल करना है। लेकिन जहाँ पर विजुअल और ऑडिटरी दोनों ही आ जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, पैराइटल लोब को आप क्रैक करके आएंगे। एक एग्जांपल आपको देते हैं। अब देखिए, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, अगर आप वही कार ड्राइव कर रहे हैं, यू सी द रोड, आप रोड को भी देखते हैं, अदर व्हीकल्स को भी देखते हैं, एंड अदर व्हीकल्स बाय फंक्शनिंग ऑफ यूअर ऑसिपिटल लोब। जब आप रोड को देख रहे हैं और व्हीकल्स को देख रहे हैं तो आपके ऑसिपिटल लोब ने काम किया। हियर द हॉर्न्स, जब हॉर्न बजते हैं तो आपकी टेम्पोरल लोब ने काम किया। मेक डिसीजन, कि आपको ब्रेक लगानी है या फिर आपको क्लच को प्रेस करना है या फिर आपको हॉर्न देना है, तो इसका डिसीजन कौन लेता है, आपका फ्रंटल लोब।
कि सिंगल सिंगल काम तो आपको बताए गए हैं, लेकिन जब ये क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही मिलकर काम करती हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक लोब्स के बारे में नहीं पढ़ा था उनके लिए आसानी हो गई है कि हमारे जो ब्रेन में ये चार लोब्स होती हैं और चारों लोब्स का अलग अलग काम होता है, और जब ये चारों लोब मिलकर काम करती हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ड्राइविंग अ कार, जब या फिर आप जब घर का कोई काम करते हैं तो साथ में आप सॉन्ग भी सुनते हैं और घर का काम भी करते रहते हैं, तो क्या है कि हमारी चारों लोग मिलकर काम करती हैं, तो ये जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर अच्छे से हो पाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका PGT साइकोलॉजी और पैडागोजी के लिए। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करें, इसको 2-3 बार देखें और हर कॉन्सेप्ट को समझें। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत रहती है या कोई कमी लगती है आपको कि कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं करवाया गया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको दोबारा से करवाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताएं कि यहाँ पर आपकी जो पैडागोजी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, PGT साइकोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो थैंक यू, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू, और जो जुड़ जाएंगे उनके लिए भी बहुत बहुत सारा थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।